तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी सेकेंड मॉडल पेपर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंडित विद्या निवास मिश्र जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी आते हैं सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। जैसा कि आप लोगों को सभी को मालूम है कि विद्या निवास मिश्र जी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप अगर आप वीडियो एंड तक देखते हैं, सही से समझते हैं, तो एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है पंडित विद्या निवास मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर एक है बनारस, बी नंबर है जौनपुर, और सी नंबर है गोरखपुर, डी नंबर है आजमगढ़। जिन स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, उसमें आप जो सही होगा उसको गोला करना होगा ओमार शीट पे। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी में रूल्स नहीं चेंज हुए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो इस सब्जेक्टिव वाली वीडियो मैंने बनाई है, चैनल पर जाके वो स्टूडेंट देख सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, गोरखपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम चंदन हम पानी निबंध किसका है। तो नंबर ऑप्शन एक आप लोगों को मिल जाएगा राम प्रसाद, बी नंबर दिनकर, सी नंबर विद्या निवास मिश्र, और डी नंबर अज्ञे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर विद्या निवास मिश्र। तुम चंदन हम पानी विद्या निवास मिश्र जी का निबंध है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जल्दी से मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे मालूम है एग्जाम आप लोगों के आने ही वाले हैं, तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी भी करनी है। बहुत सारी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, चैनल पर देख सकते हैं। कबीरदास तुलसीदास नहीं देखा है तो चैनल पर जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है यानी कि अगला क्वेश्चन है बाल सखा के संपादक कौन है। नंबर एक ऑप्शन जैनेन्द्र, बी नंबर रामकुमार वर्मा, और सी नंबर सोहन लाल द्विवेदी, और डी नंबर है यशपाल। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा श्री नारायण चतुर्वेदी, सॉरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सोहन लाल द्विवेदी जी बाल सखा के संपादक सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या निवास मिश्र अपने उपनाम से किसको पत्र लिखते थे। नंबर एक प्रसाद यानी कि राम प्रसाद जी, और बी नंबर है सी नारायण चतुर्वेदी, सी नंबर है पंत, और डी नंबर है गुलाब राय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर श्री नारायण चतुर्वेदी जी को विद्या निवास मिश्र जी अपने उपनाम से पत्र लिखते थे। अब उनका उपनाम क्या था पीडो के, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे उनका उपनाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक और लोक का स्वर निबंध के लेखक कौन है। एक लोक और लोक स्वर निबंध है, ठीक है, तो उसके लेखक इसमें कौन है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर विद्या निवास मिश्र जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित विद्या निवास मिश्र का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर एक है 1901 में, बी नंबर 1926 में, सी नंबर 1915 में, डी नंबर 1904 में। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 1900 ठीक है, ऑप्शन 1926 ईस्वी में पंडित विद्या निवास मिश्र का जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से विद्या निवास मिश्र जी किस पत्रिका के संपादक हुए। ऑप्शन नंबर एक है सुधा, बी नंबर साहित्य अमृत, और डी नंबर है मतवाला, और सी नंबर है मतवाला, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, साहित्य अमृत। ठीक है, विद्या निवास मिश्र जी साहित्य अमृत पत्रिका के संपादक हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाव पुरुष श्री कृष्ण किसका निबंध है। तो जो भाव पुरुष श्री कृष्ण निबंध है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विद्या निवास मिश्र। ठीक है, विद्या निवास मिश्र जी का भाव पुरुष श्री कृष्ण जी, ठीक है, श्री कृष्ण निबंध है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया तो आपको ध्यान देना। ठीक है, मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन, मुझे लगता है कि आप तक वीडियो बनाना जरूरी है, सारे क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड कराना है जिससे आपको कुछ ना कुछ एग्जाम में हेल्प मिल सके, इसलिए मैं क्वेश्चन आप लोगों तक प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, जिन स्टूडेंट को लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ तो वो बेशक वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, लेकिन जिनको लगता है कि एग्ज़ाम में कुछ हमें सपोर्ट मिल सके, कुछ हेल्प मिल सके, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ आप लोगों को इससे सीख जरूर मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या निवास मिश्र का उपनाम क्या है। अभी मैंने बताया था उपनाम, ऊपर क्वेश्चन की बात की थी। ठीक है, तो
ऑप्शन नंबर एक है दिनेश, बी नंबर है कौशल, सी नंबर है भ्रमरानंद और डी नंबर है कुमार। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भ्रमरानंद, विद्या निवास मिश्र का उपनाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रथ यात्रा 2002 किसका निबंध है। ऑप्शन नंबर एक है रामस्वरूप, बी नंबर है रामकुमार वर्मा, सी नंबर विद्या निवास मिश्र और डी नंबर है रामचंद्र शुक्ल। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर विद्या निवास मिश्र जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या निवास मिश्र की कृति मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कि रचना वर्ष क्या है, यानी कि जो विद्या निवास मिश्र की कृति मेरे राम मुकुट भीग रहा है इस रचना का किस वर्ष में मतलब कि लिखी गई या रचना की गई किस वर्ष में। तो ऑप्शन नंबर एक है 1912, बी नंबर है 1945, सी नंबर 1974, डी नंबर है 1960। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1974, राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक ने रचना के स्थान पर किसका फोटो भेजा था। ठीक है, तो जो इनकी रचना है ठीक है तो उसमें लेखक ने यानी विद्या निवास मिश्र जी ने रचना के स्थान पर किसका फोटो भेजा था। तो ऑप्शन नंबर एक है बहू का, बी नंबर पड़ोसन का और सी नंबर है पुत्री का, डी नंबर है प्रेमिका का। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, पुत्री का भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरूप विमर्श किसका निबंध है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, विद्या निवास मिश्र जी का स्वरूप विमर्श निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या निवास मिश्र का संसारात्मक निबंध भाई किसकी जीवनी पर आधारित है। तो इनका जो संस्मरणात्मक निबंध भाई है वो जो आधारित है ठीक है वो है विद्या निवास मिश्र जी पर। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, हजारी प्रसाद जी, विद्या निवास मिश्र का संस्मरणात्मक निबंध भाई वो आधारित है हजारी प्रसाद जी के जीवनी पर, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक ने गौरैया को मारने की खबर कहाँ पढ़ी थी। नंबर एक है पत्रिका में, बी नंबर उपन्यास में, सी नंबर है अखबार में और डी नंबर है नाटक में। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, अखबार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विद्या निवास मिश्र जी किस पत्रिका के प्रधान संपादक थे। यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हुआ है, थोड़ा टाइप करने में यहाँ पर मिस हुआ है तो आप लोग समझ जाइएगा, मैं बता देता हूँ क्या होना चाहिए। विद्या निवास मिश्र जी किस पत्रिका के प्रधान, ठीक है, वो मात्रा नहीं लेकिन टाइप करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, प्रधान संपादक थे। तो नंबर एक है प्रतीक, बी नंबर है नवभारत टाइम्स, सी नंबर है विशाल भारत और डी नंबर है चांद। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, नवभारत टाइम्स के संपादक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगद की नियति किसका निबंध है। ठीक है, तो अंगद की नियति एक निबंध का नाम है जिसके लेखक कौन है या किसका है ये। ऑप्शन नंबर एक राम कुमार वर्मा, बी नंबर गुलाब राय, सी नंबर महादेवी वर्मा और डी नंबर है विद्या निवास मिश्र। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा विद्या निवास मिश्र। ठीक है, देखो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो मैंने आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ ठीक है ये विद्या निवास मिश्र जी से रिलेटेड है, लेकिन जो आपका एग्जाम होगा उसमें सारे क्वेश्चन विद्या निवास जी या किसी भी पार्टिकुलर एक कवि से नहीं आएंगे, बहुत सारे कवि होंगे उसमें, तुलसीदास, कबीरदास और पार्ट सेकेंड में जयशंकर प्रसाद, विद्या निवास मिश्र, राम कुमार वर्मा, इनसे रिलेटेड बहुत सारे आपको क्वेश्चन आएंगे। तो आपको जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में सेट कर लेना, क्योंकि अभी मैं वीडियो में बता रहा हूँ तो आप अगर मैं ये निबंध की बात कर रहा हूँ तो आप डायरेक्टली कहेंगे विद्या निवास मिश्र की। अभी ये कोई क्वेश्चन आपके पूरे जो पूरा आप लोगों का क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर उसमें आ जाए तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, कहेंगे किसका महादेवी वर्मा का है कि गुलाब राय का है, क्योंकि वो अलग अलग क्वेश्चन उसमें होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को एक क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विद्या निवास मिश्र क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से थोड़ा मिस हुआ है, मैं आप लोगों को बता दूँ विद्या निवास मिश्र होना चाहिए, टाइप करने में प्रॉब्लम हो जाती है उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ आप लोगों से। ठीक है, विद्या निवास मिश्र का निबंध लोगो रंग हरी का रचना काल क्या है, यानी किस काल में ये, यानी कि किस सन में ये रची गई थी। ठीक है,
नंबर ऑप्शन एक है 1970, बी नंबर 1971, सी नंबर 1960 और डी नंबर है 1985। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर 1985 ईस्वी में। ठीक है, रचना काल का जो वर्ष है वो है 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से विद्यानिवास के पूर्ववर्ती ललित निबंधकार कौन है? नंबर एक रामचंद्र शुक्ल, बी नंबर हजारी प्रसाद, सी नंबर अज्ञेय और डी नंबर है गुलाब राय। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जिन स्टूडेंट को मालूम है बेशक वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, हजारी प्रसाद जी ललित निबंधकार जो थे वो हजारी प्रसाद जी थे। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विद्यानिवास मिश्र का निधन कब हुआ था? तो यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो किस सन में हुई थी? नंबर एक है 1985, बी नंबर है 2005, सी नंबर है 2001 और डी नंबर है 1999। तो जो श्री यानी कि पंडित विद्यानिवास मिश्र का निधन हुआ था वो 2005 में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 2005। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, इतने मुझे लगा विद्यानिवास जी से रिलेटेड इतने क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड किए हैं। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी मिस हुई हैं, जैसे कि टाइप करने में या कुछ मुझे बोलने में, फिलहाल मैंने लिखा तो कुछ सही है लेकिन बोलने में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। वो आप मैनेज कर लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी वर्ड एक दो इधर उधर हो गए होंगे। तो बस आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतने क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उस पर बहुत सारे मैं क्वेश्चन अपलोड करता हूँ। ठीक है, वीडियो में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा sandeepinfo.com, उस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप वहाँ से क्वेश्चन आप ऑनलाइन वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिससे ज्वाइन होकर आप हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन और हर प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।